देख रहा हूँ भाई क्रूज कंट्रोल के मजे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं इस वीडियो में एक रिव्यू देने वाला हूँ कुछ आइटम्स का, मैंने मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदे हैं अमेज़ॉन से या अलग वेबसाइट से, उनके बारे में बताऊंगा। और उसमें सबसे एक बेस्ट आइटम है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। और मेरा नाम है दिशांत वर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल 360 स्क्रीन। शुरू करते हैं कुछ आइटम से। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, ये है मैंने अभी रिसेंटली लिया था, ये देखिए ब्लू आर्मर का है, चिन माउंट इसे बोलते हैं, ऐसा दिखता है ये। हेलमेट पे लग जाता है चिन पे, और आप इसमें कैमरा लगा सकते हो। ये देखिए आप यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो फोकस हो रहा हो, तो यहाँ पे दो अलग अलग हैं, मतलब ये यहाँ से टूटा हुआ स्प्लिट है मतलब कहेंगे तो। ये अगर हेलमेट मुड़ा है तो अच्छे से फिट हो जाएगा, इस साइड भी इस साइड भी। और इधर ये देखिए यहाँ पे ये 3M की टेपिंग होती है ऐसे, ठीक है। इसको मैं अभी दिखाऊंगा कैसे लगता है। ठीक, एक आइटम ये हो गया। और ये रिसेंटली मैंने, आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा हो, पूर्णागिरी में बाइक ट्रिप पे गया था, उसमें मैंने मेरा जो कैमरा है Insta360, उसमें मैंने ब्लूटूथ का भी फीचर आता है, तो मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया था, जो कि मेरे पास ये है सैमसंग के बड्स, सॉरी सैमसंग के बड्स नहीं, मैंने रियलमी का नेकबैंड यूज़ किया था। मैं बड्स भी यूज़ करता हूँ, तो बड्स का वॉइस बेटर आता है बट काफ़ी मफल्ड रहता है, गूंजती है उसमें आवाज़। और जो रियलमी वाला था उसमें विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो उससे काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था। तो मैंने ये माइक मंगवाया है, ये मोनो का माइक है, AU400। इसका मैं रिव्यू दे दूंगा। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो इसी माइक से है। ये देखिए इस माइक में ये लगा है, मैंने ये डेड कैट भी इसके ऊपर लगाया है, माइक है सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें डेड कैट लगाया है, जो कि ये आती है अलग से, विंड नॉइज़ को कम करने के लिए हेल्प आता है, ये मैंने इसके ऊपर लगाया है टेपिंग करके। टेपिंग क्या मतलब, पहले जो माइक के ऊपर एक लगा रहता है सॉफ्ट कॉटन का, उसको मैंने टेप से चिपका दिया, उसके ऊपर ये लगा दिया। इसमें इलास्टिक होती है, बहुत टाइट होती है, एकदम फिट हो जाता है प्रॉपर। और ये है हमारा माइक जो मैंने बताया था मोनो का, ये देखिए मोनो का AU400। इसमें ये होती है, देखिए ये होती है, ये अडेप्टर है, ये है TRS केबल, जिसमें दो ही खाली रबर लगी हुई है, ये ऐसा होता है, ठीक है, जो कि ये कैमरे में ही लगता है, जैसे आपका एक्शन कैमरा हो गया, नॉर्मल DSLR हो गया, ये है नॉर्मल आपका माइक। ये देखिए 2 मीटर का लगभग वायर मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। और ये है माइक आपका, ठीक है, मैं माइक भी दिखा देता हूँ, ये हटा के डेड कैट हटा के, ये देखो ये माइक है, इसमें मैंने टेपिंग कर रखी है जिससे थोड़ा सा विंड ना जाए इसमें, ठीक है। बाकी ये बहुत टाइट हो, टाइटली स्नगली फिट हो जाता है इसमें, ये देखो फिट हो गया बेस्ट। और ये है कनेक्टर, इसको मुझे कैमरे में लगाना रहता है तो मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ और ये फिट हो जाता है, ठीक है। ये है, और ये रहा सबसे बेस्ट आइटम, ये देखिए द बेस्ट, ये है थ्रॉटल ग्रिपर। इसको मुझे काफ़ी टाइम से लेना था अपनी बाइक के लिए और मैंने ले लिया। ये बेसिकली है क्रूज कंट्रोल का जुगाड़। जो महंगी बाइकों में आपने देखा है क्रूज कंट्रोल आता है, वो इसमें है। ये मैं खोल के दिखाता हूँ, ये देखो ये है ऐसा सा है, ये देखिए ये एक है, मैं बॉक्स का देता हूँ, सिंपल सा एक प्लास्टिक का है, हार्ड प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी भी है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये मुझे 500 का पड़ा था। बस इसका ये जो ये स्क्रू है, इसको खोलिए ऐसे, लूज़ करिए ऊपर, ठीक है, ये ढीला हो जाएगा। और इसको आप एक्सीलेटर में ऐसे यहाँ पे फिट कर दीजिए, जैसे ये मान लीजिए एक्सीलेटर का वो रॉड है, ऐसे फिट हो जाएगा ये, ठीक है, और ये लॉक हो जाएगा। और ये मेरा ब्रेक पे ऐसे लग जाएगा, जब भी मैं एक्सीलेटर खींचता हूँ ऐसे ये उठता है, और फिर मैं यहाँ पे इस जगह पे अंगूठा रख के इसको ऐसे कर देता हूँ, तो मेरा जो एक्सीलेटर है वो उसी पोजीशन पे फिट हो जाएगी एक स्पीड पे। इसकी मैं वीडियो अभी दिखाऊंगा आपको, वीडियो देखिएगा, उसमें ज़बरदस्त एकदम मज़ा आ गया था बाइक चला के, बहुत सही चीज़ है भाई। अगर हाँ, ये बिल्कुल भी आप सिटी में तो बिल्कुल मत चलाइए, अगर आप बहुत ही अच्छे राइडर हो तभी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, मत लीजिएगा ये। आपको गाड़ी चलाने का बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप बिगिनर्स हो तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। मैं इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगा अगर आपको नहीं चलाना आता, और इसको अपनी रिस्क पे ही चलाइएगा। मैं बिल्कुल भी इसका वो गारंटी नहीं दूंगा कि आप
चला लोगे नहीं चला लोगे, क्योंकि बीच बीच में मुझे भी लगा, मैंने जब चलाया तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई कितना डेंजरस चीज़ है, बट हाँ ऑन हाईवे खुली रोड है, एक्सप्रेस वे है, तो आप इसको चलाइए बहुत। यार ये बहुत सही चीज़ है, देख रहे हो ये मैंने लिया है, इसको बोलते हैं क्रूज़। ये एकदम सिंपल सा तरीका है, जैसे बाइक चल रही है, देखो ये देखो ऐसे ऊपर हो रहा है, हल्का सा ऊपर किया और इसको ऐसे कर दिया, ये देखो बाकी चलती चली जा रही है, ये ट्रैफिक में नहीं करने वाला है, खुली रोड पे हो भाई। मेरा क्रूज़ का तो इंतजाम हो गया यार, मजे आ गया। अब इसको थोड़ा टाइट करना हो, यहाँ से टाइट कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे फिट है, ये देख रहा हूँ भाई क्रूज कंट्रोल के मजे। भाई साहब रिसेंटली मैंने एक हेलमेट लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा हेलमेट, एग्जॉर का है ये स्ट्रीट, सॉरी स्ट्रीट नहीं है, एग्जॉर का वेनम वाला है। एग्जॉर एपेक्स है, ये वेनम का है, ठीक है। इसको मेरा लेने का पर्पस ये था, रिसेंटली मैं अभी जब पूर्णागिरी गया था, मेरा पुराना वाला हेलमेट था स्टील बर्ड का, उसमें इतनी विंड नॉइज़ आई, इतनी विंड नॉइज़ आई, मतलब पूरा अगर मैं बाइक चला रहा था 50-60 की स्पीड जा रही, सर 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 पूरी कान में हवा जा रही है। इसमें देखिए जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो आप, पैडिंग इसमें पूरी है वो रखी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें डबल लेयर पैडिंग हो रखी है। और जो स्टील बर्ड का था मेरा पुराना, उसमें बहुत हल्की सी पैडिंग है, और ये चिन माउंट नहीं था उसमें, ये जो आप देख रहे हो चिन माउंट, ये उसमें ये नहीं था, और इसमें ये चिन माउंट है, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी आपको मतलब हवा अंदर नहीं जाएगी, और यहाँ पे मैं माइक भी फिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये है, और ये देखिए यहाँ से अभी मैंने स्टिकर नहीं हटाया है इसका, और ये अंदर एक सनवाइज़र भी मिलता है ये, और ये यहाँ से ओपन होता है, ये सनवाइज़र है, यूवी प्रोटेक्ट वाला है, बढ़िया है हेलमेट। मैंने इसको इसलिए यूज़ नहीं किया अभी क्योंकि मेरे मुझे को जब ये मुझे आया था हेलमेट, मुझे रिसेंटली एक दूसरा भी हेलमेट दिखा है जो एग्जॉर का स्ट्रीट वर्जन है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि है सेम, वेट सेम है दोनों का, और डी लॉक है, पिन लॉक है, डी पिन लॉक है दोनों में, जो सबसे प्रोटेक्ट माना जाता है, जो हम लोग नॉर्मली लगाते हैं क्लिप वाला, वो बहुत डेंजरस होता है, मतलब खुल जाता है, ये वाला एकदम लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है, तो सेम है बिल्कुल। बस उसमें ये जो ये प्रोक्रूरिंग है ना, बिल्कुल ये पीछे जो निकल रहा है कोन तिकोने जैसा, मतलब एकदम पॉइंटेड है ना, वो उसमें नहीं है, वो एकदम सर्कुलर है ऐसे, तो इसलिए वो मुझे हेलमेट अच्छा लगा, तो मैंने उसको मंगवाया है। ये मैं वापस कर दूंगा फिलहाल, बट है अच्छा ये भी हेलमेट, जिसको ये डिज़ाइन पसंद है वो ये ले सकता है, तो फिलहाल आप देख सकते हो। हाँ तो मैं इसमें चिन माउंट का दिखाता हूँ, जो मैंने चिन माउंट लिया था ये ब्लू आर्मर का, अगर मैं इसमें अगर फिट करता, जो भी अभी मैं करूँगा नहीं, नॉर्मली बाद में जब मैं फिट करूँगा उसमें ऐसे यहाँ पे ये लगा दूंगा, और ये देखिए कितने सही तरीके से चिन हो गया, मेरा ऊपर जो एयर वेंट है वो भी नहीं कवर होगा, और ये हो जाएगा एकदम परफेक्टली फिट होगा ये। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको चिपकाया नहीं, वेट कर रहा हूँ, मेरा नया हेलमेट आ जाएगा, उसका भी मैं डालूंगा रिव्यू, देखिएगा उसको, तो पहन के भी दिखाऊंगा मैं। इसको पहना नहीं है क्योंकि इसको वापस करना है, इसलिए मैंने संभाल के ऐसे रखा हुआ है। एग्जॉर का है, परफेक्ट है यार, आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है, एकदम टाइट फिटिंग, इसको पहनो ना तो बिल्कुल एकदम कस जाता है, इसीलिए साइज़ थोड़ा लेके देख के लीजिएगा, आपको पहले स्टार्टिंग में टाइट लगेगा, बट ये थोड़ा थोड़ा यूज़ के बाद खुल जाते हैं, तो आप उतना पेशेंस रखिएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हो हेलमेट, तो मैं अभी आपको हेलमेट का बता ही रहा था ना, तो मेरे को ये हेलमेट भी दिख गया, मेरे रूम में ही रखा हुआ था, ये था मेरा पुराना वाला स्टील बर्ड का। हालांकि ये हेलमेट बहुत अच्छा है, सिटी के पर्पस के लिए आपका सबसे बेस्ट हेलमेट है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है मुझे, ये देखिए ये जो मैं आपको ये बता रहा था, एक मिनट, ये वाला लॉक जो होता है, ये वाला, ये जनरली सब में होता है, जो ऐसे आपका लग जाता है और इसको खींचने से खुल जाता है, तो ये सिक्योर नहीं होता उतना, ठीक है। और ये देखिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है, इसको मैं ऐसे बंद करता हूँ, ठीक है, ये स्प्रिंग है यहाँ पे, ये देखिए आपको ये बटन दिख रहा है रेड कलर का, ठीक है, इसको दबाऊंगा तो ये अपने आप ऐसा खुल जाएगा, तो ये मुझे सबसे सही चीज़ लगती है इसमें, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करती, बंद कर दिया बस, ठीक है, बटन दबाया सट से खुल गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए आप, ये एयर वेंट है यहाँ पे भी, और ऊपर भी एयर वेंट है,
ये बड़ा वाला ईयरबड है बीच में, ठीक है, यहाँ पे पीछे से ऐसा है, मैंने कुछ रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं यहाँ पे। बाकी नीचे देखिए, मेन नीचे है, उस हेलमेट से और इस हेलमेट में कंपैरिजन यही है कि इसमें पैडिंग बहुत कम है, पूरी हवा जाती है, ऊपर से भी जाती है, अंदर से यहाँ से भी जाती है। बारिश में तो ये पहनने लायक है नहीं, क्योंकि यहाँ से देखिए कैप है, इसमें से पानी जाएगा, यहाँ पे कोई रबर नहीं लगी है। एग्जॉर वाले में सब में यहाँ पे रबर लगी आती है, तो वो आप बारिश में भी पहन सकते हो, अंदर पानी नहीं जाएगा, इसमें आराम से जाएगा। यहाँ चिन पे देखिए कोई नहीं है पैडिंग, तो यही इशू होता है इसमें, इसलिए ये सब सिटी के लिए सही है। मेन बाहर आप नहीं पहन सकते हो, बाहर के लिए तो एग्जॉर, अगर हाईवे हाईवे पर जा रहे हो तो एग्जॉर बेस्ट है, वो सब बेस्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से और लाइक से मेरे वीडियोस को रीच मिलती है और काफ़ी हेल्प मिलता है। और मैंने सभी आइटम्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप ज़रूर उन पर विज़िट करिए, उन्हीं से ही जाइए, मेरे चैनल को थोड़ा फ़ायदा होगा। मिलते हैं आपसे आगे फिर से किसी और वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।